नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आज हम पटना के एक बहुत बड़े नटवर लाल की कहानी बताने जा रहे हैं। वह नटवर लाल पटना हाईकोर्ट का सीनियर जज बनकर के बिहार के डीजीपी व कई अन्य वरिष्ठ आईएएस अफसरों को फोन करता था। फोन इसलिए करता था कि उसके एक खास आईपीएस अफसर को लाभ मिले, उन पर जो कार्रवाई होनी थी उस कार्रवाई से बचाई जा सके। उस नटवरलाल को आर्थिक अपराध इकाई ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। वह नटवरलाल बोरिंग रोड में रहकर पटना के बड़े बड़े आईएएस अफसरों, आईपीएस अफसरों और नेताओं से उसकी दोस्ती थी और पूरा नेक्सस था। सीनियर जज बनकर के बिहार के डीजीपी को फोन करता था और एक आईपीएस अफसर को बचाने को कहता था। शायद डीजीपी समझ नहीं पाए। एक बार नहीं बल्कि कई दफे वह जालसाज, वह फ्रॉड बिहार के डीजीपी को फोन किया। फोन पटना हाईकोर्ट का सीनियर मोस्ट जज बन करके करता था। स्वाभाविक है, डीजीपी को कोई पटना हाईकोर्ट के कोई जज अगर फोन करेंगे तो स्वाभाविक है कि उनकी बात की अहमियत होगी। डीजीपी शुरुआती दौर में नहीं समझे, कई बार फोन अटेंड भी किया, लेकिन अब पूरी पोल पट्टी खुल गई है। शंका होने पर आर्थिक अपराध इकाई को इसकी जांच का जिम्मा दिया गया। विश्वस्त सूत्रों से हमें जानकारी लगी है कि शुक्रवार के दिन आर्थिक अपराध इकाई को इस पूरे मसले की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई। 24 घंटे के अंदर ही ईओयू ने इस पूरे फ्रॉडिज्म से, इस पूरे जालसाजी से पर्दा उठा दिया और उस सबसे बड़े नटवर लाल को गिरफ्तार भी कर लिया है। नटवर लाल बोरिंग रोड इलाके से उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसके साथ 3 अन्य जालसाज भी गिरफ्तार हुए हैं। उसके पास से दर्जनों मोबाइल, कई फर्जी सिम के अलावे कई अन्य चीज़ें जब्त हुई हैं। तो आखिर यह नटवर लाल है कौन और किस आईपीएस अफसर के लिए वह फ़ोन कर रहा था, इसके अलावे और क्या कुछ है, हम आपको डिटेल बताते हैं। दरअसल यह नटवर लाल बोरिंग रोड इलाके के नागेश्वर कॉलोनी का रहने वाला है। उसका नाम है अभिषेक अग्रवाल, जिसे आर्थिक अपराध इकाई ने गिरफ्तार किया है। यही अभिषेक अग्रवाल बिहार के डीजीपी को जज बनकर के फोन करता था और उन्हें बिहार के एक आईपीएस अफसर, जो कुछ समय पहले तक एक जिले में एसएसपी के पद पर तैनात थे, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, इसके बाद सरकार ने उन्हें हटा दिया था, विभागीय कार्यवाही चल रही है, तो उसी अधिकारी को बचाने के लिए, केस को ख़त्म कराने के लिए यह जो जालसाज है, यह जो नटवर लाल है अभिषेक अग्रवाल, यह फोन करता था डीजीपी को और कहता था कि उस आईपीएस अफसर को आप बचा लीजिए, उस पर कार्रवाई नहीं होने दीजिए। हालांकि उस आईपीएस अफसर जिनके खिलाफ थाने में मुकदमा हुआ, कहा जाता है कि जांच में उस बात को, उस केस को खत्म करा दिया गया है। तो इसके बाद इस बात की और पुष्टि हो गई, वो फोन करता था। और जब जांच हुआ, जब आर्थिक अपराध इकाई ने इस जालसाज को, इस नटवर लाल को गिरफ्तार किया, तो फॉरेंसिक जांच में उन तमाम बातों की पुष्टि हो गई। यह प्रमाणित हो गया कि यह जालसाज, यह जो नटवर लाल है अभिषेक अग्रवाल, यह जज बन करके, पटना हाईकोर्ट का सीनियर जज बन करके बिहार के डीजीपी को ही नहीं बल्कि कई अन्य वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अफसरों को फोन करता था। इसके प्रमाण भी मिल गए हैं। और जब आर्थिक अपराध इकाई ने सख्ती से पूछताछ की, तो इस बात की उसने स्वीकार भी कर लिया कि हाँ, हमने इन तमाम लोगों को फोन किया था। यानी कि इस बात की प्रामाणिकता, जो शंका था, उसका समाधान हो गया। आर्थिक अपराध इकाई ने रिकॉर्ड 24 घंटे में ही इस पूरे मामले से पर्दा उठा दिया है और अब अभिषेक अग्रवाल, जो पटना का बड़ा नटवर लाल है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ 3 अन्य सहयोगी भी गिरफ्तार हुए हैं। आपको हम बताएं कि यह नटवर लाल सिर्फ फोन ही नहीं करता था बल्कि अफसरों से ठगी भी करता था, ब्लैकमेल उनको करता था और उनसे मोटी रकम भी वसूलता था। यह देश के गृह मंत्री का पीएस बनकर के भी बड़े अधिकारियों को फोन करता था। और इस मामले में 2018 में यह जो नटवर लाल है अभिषेक अग्रवाल, इसकी गिरफ्तारी हुई थी दिल्ली में और तिहाड़ जेल में यह बंद भी रहा था। उसके अलावा
इसकी जालसाजी की कहानी बिहार के एक वरिष्ठ आईपीएस अफसर हैं जो अभी सेंट्रल डेपुटेशन पर हैं, इनसे ठगी की कोशिश की, सिर्फ कोशिश ही नहीं की बल्कि उसमें सफलता भी मिली। कहा जाता है कि उस आईपीएस अफसर के पिता से बड़ी रकम ठगी की थी और इस मामले में तब भागलपुर के एक थाने में इस नटवर लाल के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था। तो पूरे पोल पट्टी इस अभिषेक अग्रवाल की खुल गई है। अब यह पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और इसे जेल भेजा गया है। इसके खिलाफ धोखाधड़ी के अलावे साइबर क्राइम को लेकर कभी मुकदमा दर्ज किया गया है और अब इसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। तो बड़ा सवाल है कि आखिर एक जज बनकर के, जज की प्रतिष्ठा को भी कहीं ना कहीं इसने चोट पहुंचाने की कोशिश की। इसने झूठे फर्जी तरीके से फर्जी नाम से सिम लिया और उस सिम के माध्यम से बिहार के डीजीपी को फोन करके एक आईपीएस अफसर जिनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही थी उनको बचाने की सिफारिश किया। काफी दिनों तक तो यह पता नहीं चला लेकिन अंत में यह पता चला, तब जाकर के जांच बिठाई गई, आर्थिक अपराध इकाई को जांच का जिम्मा दिया गया और अब जाकर के उसकी गिरफ्तारी हुई है पटना से ही। और जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो सब कुछ साफ हो गया, उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इसी के साथ यह भी पता चला है कि यह 2018 में भी जेल जा चुका है, 2014 में भागलपुर में इसके फ्रॉडिज्म जालसाजी का केस भी दर्ज हुआ है। वरिष्ठ आईएएस अफसर के पिता से बड़ी रकम की ठगी भी की थी। देश के गृह मंत्री के पीएस बनकर के भी अफसरों को फोन करता था और अब इस बार जो है पटना हाईकोर्ट के एक सीनियर जज का नाम लेकर के बिहार के डीजीपी को ही फोन कर दिया। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि अभिषेक अग्रवाल किस तरीके से वह काम कर रहा था। अभिषेक अग्रवाल का अगर आप फेसबुक देखेंगे तो बड़े बड़े नेताओं, वरिष्ठ आईएएस अफसरों, आईपीएस अफसरों के साथ यह फोटो अपने फेसबुक पर लगाए हुए है और इसके माध्यम से यह बताने की कोशिश करता था समाज में कि देखिए हमें तमाम बड़े नेताओं के साथ, बड़े अफसरों के साथ हमारे संबंध है। जब जांच हो रही थी तो जांच में एक बात का और पता चला कि पटना हाईकोर्ट के एक जज के साथ तस्वीर खिंचाए हुए हैं और उसी तस्वीर से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं और उसी व्हाट्सएप नंबर से वह फोन करता था वरिष्ठ आईपीएस अफसरों को, आईएएस अफसरों को। तो इस तरीके के इस बड़े नटवर लाल अभिषेक अग्रवाल की पोल खुली है। 24 घंटे के अंदर ही आर्थिक अपराध इकाई ने इस पूरे वाक्य से पर्दा उठा दिया है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।